स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वेक्टर्स का। एक्सरसाइज नंबर है 5.4। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 18 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। इसके जो पहले के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 टू 13, ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो से वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू 13 नहीं किया तो प्लीज़ क्वेश्चन 1 टू 13 ज़रूर कर लीजिए, और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है एक्सरसाइज 5.4 ऑलरेडी हमने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन 14 टू 18 में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 14 टू 18 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, हम इसमें जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो भी फॉर्मूलेज है, प्रॉपर्टीज है, वो आप ज़रूर एक बार लिख के ले लीजिए। ठीक है, और उसको प्लीज़ केयरफुली सुने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखा हुआ स्टूडेंट्स। क्रॉस प्रोडक्ट इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये हम फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हमें थीटा फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन कैप है। एन कैप क्या है? एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एन पी। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी कोई वेक्टर है। ठीक है, ए और बी कोई वेक्टर है। सपोज अगर ए और बी अलोंग द एक्स एक्सिस है हमारा, और एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, सपोज ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो हमारा वेक्टर एन होगा वो क्या होगा, अलोंग द वाई जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अलोंग द जेड एक्सिस होगा। ठीक है, ये एक्स है, ये हमारा वाई है, ये एन क्या है, एन इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए एंड बी एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जेड एन एन यूनिट ये क्या होगा, अलोंग द जेड होगा। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लीज़ ये प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लीजिए। ये हमें क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपको वहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर एन कैप है, एन कैप के जगह पे हमने के यूज़ कर लिया। कैसे यूज़ किया, वहाँ पर आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, या फिर आप उसे अभी ये हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप इसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एन कैप था, उसका मैग्नीट्यूड क्या, तो यहाँ पे एन कैप 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि एन क्या है, यूनिट वैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है, अभी ए और बी कोई वैक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम कॉस थीटा बिटवीन टू एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला तो हमें यूज़ नहीं करना है, हमें ये इस यही फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन आप ये फार्मूला लिख कर ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अभी देखिए यहाँ पर ये भी हमें फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अभी देखिए ये ए क्रॉस बी, यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, इससे हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बिटवीन टू एंगल, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन ऑन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज़ गिवन बाय। आपको ए और बी पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिटरमिनेंट्स ऑफ आई जे के, ए वन ए टू ए बी बी ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए और बी का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले के हमसे ए क्रॉस बी मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए ए एंड बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के बारे में भी ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इफ पॉइंट ए का कोएफिशिएंट इज कोई कोऑर्डिनेट इज दिस, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ए लाइन ए बी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, दिस एक्स वन माइनस एक्स, वाई वन माइनस वाई, जेड वन माइनस जेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसके हेल्प से आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट कर सकते हो, व्हेन पॉइंट ए एंड बी इज गिवन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे लाइन वन लाइन टू कोई दो लाइन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन है एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एल एम टू एन टू। ठीक है, तो अगर लाइन वन और लाइन टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका जो डायरेक्शन कोसाइन है उनका रिलेशन देखिए ये होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी हमें हेल्प मिलेगी इसे, एल वन इंटू एल टू प्लस एम वन इंटू एम टू प्लस एन वन इंटू एम टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ये कब होगा,
जब लाइन वन और लाइन टू परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर है और उनका जो डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन इज दिस, ये होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सारे प्रॉपर्टी हमें ये जो क्वेश्चन है उसमें यूज़ होने वाले हैं, तो प्लीज़ सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। इफ़ मोड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी लेस देन ज़ीरो, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुनिए, क्या करना है मैं बताऊँगा, बहुत ही ईजिली हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए डॉट बी लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब जो हमारा एंगल है बिटवीन ए एंड बी वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब वो जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये ए अभी जो दो वैक्टर है उनका दो डॉट प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट करेंगे वो हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मोड का साइन है स्टूडेंट्स, ये हम मोड का साइन कंसिडर करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमें ये कांस्टेंट नंबर देगा, तो यहाँ पे ये इसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, ये हम इसे मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी जब आप फाइंड आउट करते हो तो आपको वो वैक्टर फॉर्म में इक्वेशन मिलता है, अभी उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो हमें स्केलर नंबर एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है, यहाँ पर ये इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ये जो सिंबल है इसका मतलब है मोड। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो भी उसे हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है, या फिर सपोज़ यहाँ पे हमने मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 कंसिडर किया, इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 होगा, मतलब एक्स के दो वैल्यू होंगे, या तो प्लस 5 होगा या तो माइनस 5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये किसका मतलब हुआ, ये मोड का मतलब हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, केयरफुली सुन लीजिए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये हमने मोड के लिए देखा, मोड ऑफ, ये एग्जांपल लिया था हमने, मोड ऑफ 5 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब एक्स का दो वैल्यू होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए डॉट बी लेस देन ज़ीरो है, इसका इसकी हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, इसका मतलब ये जो थीटा है, जो एंगल बिटवीन देम है, इज ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल, इसका मतलब थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड। अभी इसके बाद हमने इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा हुआ स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी साइन थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, और हमने देखा हुआ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे, कि ये प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और ये आपको माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। देखिए अभी बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले जो यहाँ पे गिवन कंडीशन है, वी हैव व्हाट ए डॉट बी लेस देन ज़ीरो, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, द थीटा बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूस एंगल, वी हैविंग प्रॉपर्टी, देयरफॉर थीटा इज ऑब्ट्यूस। ओके, और देयरफॉर वी कैन से थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ऑब्ट्यूस एंगल का इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, और अभी देखिए, अभी हमें क्या दिया हुआ है, दिस ए डॉट मैग्नीट्यूड मोड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, वी हैव, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है, ए डॉट बी मोड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला है ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या होता है, और मोड ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, दिस इज ए डॉट बी, तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी
इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, साइन थीटा। ओके देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये यहाँ पर ये इसका जो सिंबल है ये मोड के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये सिंबल इसका मतलब मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मोड का सिंबल दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये स्केलर यूनिट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये मोड का सिंबल है। यहाँ पे हमने ए डॉट बी की जगह पे ये इसका फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, और ये पूरा इसकी जगह पे ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर मोड का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस का साइन मिलेगा। तो आप इसे क्या लिख दोगे, प्लस माइनस ए डॉट बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे, राइट। अभी देखिए जो टर्म कैंसिल हो रहा है, दिस टर्म कैंसल, दिस टर्म कैंसल दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा। ओके अब ये कॉस यहाँ पे जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, वन बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस वन इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस वन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, अभी देखिए हमें पता है कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो थीटा है, थीटा क्या है स्टूडेंट्स, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे हम 45 डिग्री यूज़ करेंगे तो 90 डिग्री से छोटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री 90 डिग्री से छोटा हो गया, इसका मतलब टेन 45 इज इक्वल्स टू वन, ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 45 डिग्री जो है वो हमारे गिवन थीटा से छोटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें से हमारा वैल्यू क्या कंसिडर करना है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। हम लोग सिर्फ माइनस वन लेंगे, क्यों, क्योंकि गिवन है हमें थीटा इज़ लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन हो गया। अभी हमें सिंप्लीफाई करना और थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू वन होता है, ओके। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फाइव बाई फोर रेडियन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टेन 5/4 इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये वन के जगह पे हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी देखिए ये टाइप हमने स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखे हुए हैं, थीटा फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसे लिख सकते हो माइनस टेन 45 लिख सकते हो, या फिर पाई बाई फोर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस वन के जगह पे हमने क्या लिख दिया, टेन पाई बाई फोर, ठीक है। अभी देखिए ये माइनस का सिंबल हमें पहले रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम राइट एंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला है, टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा ऑप्शन, माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थीटा क्या है, पाई बाई फोर माइनस का साइन। तो यहाँ पे देखिए माइनस टेन पाई बाई फोर को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टेन पाई माइनस पाई बाई फोर। अभी पाई माइनस पाई बाई फोर का मतलब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फोर पाई माइनस वन पाई मतलब थ्री पाई। तो ये टेन थ्री पाई बाई फोर, यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू थ्री टेन थ्री पाई बाई फोर, टेन टेन कैंसल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थ्री पाई बाई फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए हमें थीटा मिल गया स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थीटा हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थ्री पाई बाई फोर, देयरफॉर यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए, देयरफॉर द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थ्री पाई बाई फोर, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए हमारा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है ट्रिग्नो का, लेकिन इसे हमें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड इसे हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, केयरफुली पहले देखिए। देखिए स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है कि ये पहले हम एक छोटा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसे।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट लिया पी फ्रॉम ओरिजिन ओ, दिस इज वन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। इसे हमने कंसिडर कर लिया, हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। अभी देखिए ये पॉइंट पी है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्स है, ये वाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो ये डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये वाई का जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक क्या है, एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे कंसिडर किया, ये हमारा वन यूनिट है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं हमारा थीटा, ओके। तो यहाँ पर अगर हमने साइन थीटा फाइंड आउट किया, तो साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अपोजिट अपॉन हाइपोथेनस। तो अपोजिट क्या है, यहाँ पर वाई है, हाइपो क्या है, यहाँ पर वन यूनिट है, इसका मतलब वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, साइन थीटा, राइट। अभी अगर यहाँ पे इसका हम कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या, कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, एडजेसेंट, यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स अपॉन हाइपो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाय हाइपो, हाइपो क्या है, वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पी है इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस, ये हमारा कॉस थीटा हो गया, और वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हम पी कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी है, हमने याद रखनी है, ओके। इसकी हेल्प हम लेंगे और क्वेश्चन में हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू दिस, ओके। तो यहाँ पर हम पहले कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, एक डायग्राम देखते हैं, देखिए केयरफुली देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर कंसिडर किया, ये हमारा ओरिजिन है, ओके। यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर कंसिडर करते हैं, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट्स, आई होता है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस क्या होता है, जे होता है, यूनिट वेक्टर, ओके। और हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, फ्रॉम लाइन ड्रॉ करते हैं ओ टू दिस, ठीक है, इसे हमने पी नाम दे दिया। और यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम ओ टू क्यू, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो डायग्राम में कंसिडर किया है वो हम लिख देते हैं पहले, ओके। वो क्या है, हमारा ओरिजिन है, और ये यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस है, जे इज यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस है, हमने ओ पी ड्रॉ किया फ्रॉम ओरिजिन, एंड ओ क्यू ड्रॉ किया फ्रॉम ओरिजिन। और यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये ओ पी एक एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, उसे हमने नाम दिया है अल्फ़ा, एंड ओ क्यू एक एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसे हमने नाम दिया बीटा, ठीक है। तो ये हम जो हमने कंसिडर किया है वो हम लिख देते हैं, लेट आई एंड जे इज वॉट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्स एक्सिस मतलब ओ एक्स, एंड वाई एक्सिस मतलब ओ वाई, ठीक है, एंड एक्सिस, ओके, यहाँ पे अलॉन्ग द ओ एक्स एंड ओ वाई एक्स एक्स, ठीक है। अभी लिख यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि ओ पी और ओ क्यू के साथ हमारा ओ पी और ओ क्यू एक एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस और ओ पी का एंगल क्या है अल्फ़ा, एक्स एक्सिस और ओ क्यू का एंगल क्या है बीटा, ये हमने कंसिडर किया हुआ है, ये सब हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट ओ पी एंड ओ क्यू मेक एन एंगल विथ एक्स एक्सिस
ठीक है, दोनों एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं, एक अल्फा बना रहा है एंड एक बीटा बना रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये हमने कंसीडर किया हुआ है, वो हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो हमारा जो एंगल है एक्स ओ एम अल्फा एक्स ओ क्यू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ जो हमने लिखा हुआ है, एंगल व्हाट एक्स ओ पी इज इक्वल्स टू अल्फा एंड एंगल एक्स ओ क्यू इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। ये जो हमने कंसीडर किया हुआ है वो हमने लिख दिया, ओके। और साथ में हमें एक और एक चीज़ कंसीडर करनी है स्टूडेंट्स, अ पॉइंट ए, ठीक है, फ्रॉम वन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ए, हमारा ए पॉइंट है फ्रॉम वन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, एंड ये हमारा पॉइंट बी है वन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। तो ये वन यूनिट डिस्टेंस है, ये वन यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं, लेट वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी यूनिट वेक्टर अलोंग ओ पी एंड ओ क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, ओ ए और ओ बी क्या है, यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द ओ पी एंड ओ क्यू रेस्पेक्टिवली, ओके स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब हमने कंसिडर किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया, ये कंसिडरेशन अब हम लोग ने आपको याद रखना, ये सब आपने कंसिडरेशन किया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने क्या करना है, हम बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अभी हम जो प्रूफ करने वाले हैं उसके कैसे करें वो देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये केयरफुली देखिए, ठीक है। तो अभी देखिए हमें डेफिनेशन है, कोई दो वेक्टर है ए और बी, हमने ऑलरेडी देखा हुआ स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सरसाइज में, ए क्रॉस बी, क्या इसे हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। केयरफुली, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और यहाँ पे एन कैप इंटू एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या है स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। ये जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर ऑन एक्स एन ए एन बी है, ठीक है। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ के होगा, जेड एक्सिस होगा, ठीक है। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा वाई एक्सिस पे है, तो ये अलोंग द जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो बाय दिस डेफिनेशन, इनकी हेल्प से यहाँ पर हमारे पास हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ओ ए और ओ बी हमारा दो वेक्टर है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो दो यूनिट वेक्टर है, हमने क्या कंसिडर किए हुए हैं, ओ बी क्रॉस ओ ए, तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, ओ बी और ओ ए का, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ओ बी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ओ ए इंटू साइन थीटा, थीटा भी देखना है आपको कंसिडर, यहाँ पे देखिए थीटा क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों वेक्टर के बीच में थीटा क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, टोटल डिस्टेंस, टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अभी देखिए यहाँ पर एन कैप दिया हुआ है, एन कैप, ओके। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये अलोंग द, ये जो प्लेन है ओ ए और ओ पी,
ठीक है, ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो ये हमारा जो वेक्टर एन है वो हमारा क्या हो जाएगा, अलोंग द जेड एक्सिस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, जेड एक्सिस मतलब हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एन कैप की जगह पे हमारा के आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ अ जेड एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। ये के के लिए आपको बाय डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी मैंने स्टेटमेंट बताया है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमने फाइंड आउट किया यूनिट वेक्टर ऑफ ओ और बी क्या है, यहाँ पर वन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वन। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल्स टू वन डॉट वन साइन अल्फा प्लस बीटा के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। ये हमने इसे इक्वेशन नंबर वन दे दिया, ओके। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की थी, इसकी हेल्प लेंगे, ओके। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, इसका मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई हो जाएगा, लेकिन उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉस थीटा, थीटा क्या है हमारा दिस एंगल, कॉस अल्फा हो जाएगा, ओके। और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, वाई हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये पॉइंट भी देखिए, वन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई होगा, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x क्या है, x पॉजिटिव होगा, और ये y क्या होगा, यहाँ पर y यहाँ पर नेगेटिव होगा, राइट। तो हमारा अगर हम से साइन और थीटा, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की जगह हम कॉस, एंगल क्या हमारा बीटा है, राइट। और यहाँ पे माइनस y, y क्या हमारा हो जाएगा, साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए पॉइंट ए इज दिस, पॉइंट बी इज दिस, ठीक है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपका आगे आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी जो हमने लिखा ऊपर आपको समझा है वही हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नाउ वी हैव पॉइंट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, एंड पॉइंट बी इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस बीटा एंड माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे मिले आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम वेक्टर ओ ए, देयरफॉर हमारा वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। x के साथ i प्रोडक्ट i यूनिट वेक्टर आ जाएगा और इसके साथ j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फ़ा i प्लस साइन अल्फ़ा j, ठीक है। हमने इसे यूनिट फॉर्म में लिख दिया, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ओ बी वेक्टर ओ पी क्या हो जाएगा, cos बीटा i माइनस साइन बीटा j, ओके। तो यहाँ पे वेक्टर ओ ए इज दिस, वेक्टर ओ बी इज इक्वल्स टू दिस, ओके। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ओ बी क्रॉस ओ ए, ओ बी क्या है हमारा, इज दिस कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे क्रॉस कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, ठीक है। नॉर्मल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे आई क्रॉस आई हो जाएगा, आई क्रॉस आई, ठीक है। यहाँ पे सब क्रॉस का साइन है स्टूडेंट्स,
माइनस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है, सॉरी ये प्लस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, यहाँ पे आई क्रॉस जे हो जाएगा, आई क्रॉस जे, ओके, फिर दिस इंटू दिस माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे जे क्रॉस आई हो जाएगा, जे क्रॉस आई, राइट, फिर दिस इंटू दिस माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्रॉस प्रोडक्ट की जो भी है प्रॉपर्टी वो हमें याद है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा हुआ है और ये एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी देखा हुआ है स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई ज़ीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे ज़ीरो हो जाएगा, आई क्रॉस जे ये हमारा के हो जाएगा और जे क्रॉस आई ये हमारा माइनस के हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आई क्रॉस आई ये ज़ीरो हो गया मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे जे क्रॉस जे मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू के और यहाँ पे माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के और ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसे हम अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे हमने अरेंज किया तो हमें ये देखिए क्या मिल गया, कॉस बीटा साइन अल्फा के प्लस यहाँ पे साइन बीटा कॉस अल्फा के, इसका मतलब हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल्स टू अल्फा के, हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अरेंज करके साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा लिख सकते हैं और ए के हमने कॉमन लिया, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन ले दिया टू, ओके। अभी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड इक्वेशन फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या था, ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल्स टू दिस, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर साइन अल्फा प्लस बीटा के इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू के, ठीक है। तो यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो देयर फोर साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने प्रूफ करने के लिए बोला गया था विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया हुआ, हर एक पॉइंट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आप प्लीज़ केयरफुली उसको ऑब्जर्व करिए, बहुत सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है, प्रीवियस यूज़ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो एग्जांपल है हमारे पास। तो यहाँ पर ये हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ टू लाइंस दिया हुआ है। जब हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ टू लाइन दिया रहता है तो हम उसका पोजिशन वैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले ये दोनों ही जो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं इनकी हेल्प से हम वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन मिल जाएगा, फिर उसका डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ओके। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है टू वन माइनस वन एंड
थ्री माइनस फोर एंड वन दिया हुआ है. ओके तो अभी हमें क्या कंसिडर करते हैं, लेट यहाँ पर देखिए, लेट हम कंसिडर करते हैं ए बार एंड बी बार, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द वेक्टर ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो इज, यहाँ पे हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, क्या है, माइनस टू वन माइनस वन एंड माइनस थ्री माइनस फोर एंड वन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. ठीक है तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर कंसिडर किया ऑफ गिवन डायरेक्शन रेशियो, इसका और इसका रेस्पेक्टिवली. ओके तो देयरफोर देखिए हमारा वेक्टर ए क्या हो जाएगा, अभी जब हमें डायरेक्शन रेशियो पता रहता है स्टूडेंट्स, उसमें हम सिर्फ डायरेक्शन आई जे के ऐड कर देंगे तो वो हमारा वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा टू आई वन जे माइनस वन के. ठीक है जो डायरेक्शन रेशियो है उसको स्टूडेंट्स हमने आई जे के ऐड कर दिया तो हमारा क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा. ओके एंड वेक्टर बी क्या मिल जाएगा, फ्रॉम दिस पॉइंट दिस रेशियो इज इक्वल्स टू माइनस थ्री आई माइनस फोर जे प्लस वन के. ठीक है तो ये दोनों ही जो डायरेक्शन रेशियो दिए थे उसको हमने पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट्स. ठीक है तो अभी हमें दो वेक्टर पता है तो उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर वो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर दे देगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में भी देखे हुए हैं. ठीक है तो अभी यहाँ पे देखिए अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी इज व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए क्रॉस बी. ठीक है अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है. ओके तो अभी हमें पता है कि स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट आई जे के. यहाँ पर देखिए वेक्टर ए क्या है, यहाँ पर दिस इज वेक्टर ए तो इसका कोएफिशिएंट लिख लेंगे यहाँ पर टू माइनस टू वन माइनस वन. यहाँ पर बी का कोएफिशिएंट लिख लेंगे माइनस थ्री माइनस फोर वन. ओके तो अभी इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स. तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस आई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस वन माइनस फोर माइनस जे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस टू माइनस थ्री प्लस के दिस इंटू दिस एट माइनस दिस इंटू दिस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा. यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री आई माइनस फाइव माइनस माइनस से प्लस फाइव हो जाएगा फाइव जे और ये थ्री प्लस एट इलेवन इलेवन के. ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया ऑन ए एंड बी. ठीक है तो ए क्रॉस बी. ठीक है स्टूडेंट तो अभी इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री फाइव एंड इलेवन. ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर लिखिए, हम लिख देते हैं देयरफोर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर to the vector a and b is. ठीक है तो हमें direction ratio चाहिए था किसका, of a vector perpendicular to the vector a and b is minus 3, 5 and 11. minus 3, 5 and 11. ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारा required answer आ गया. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है वन थ्री टू एंड माइनस वन वन एंड टू. ठीक है तो सेम हमें स्टेप फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा स्टूडेंट्स. हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है टू लाइंस का,
तो इस पे हम पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसका जो लाइन वेक्टर फॉर्म में मिलेगा उससे हम डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द वेक्टर्स ऑफ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो इज, जिसका डायरेक्शन रेशियो हमें दिया हुआ है 1, 3, 2 एंड -1, 1, 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देयरफोर हम वेक्टर ए लिख सकते हैं, वेक्टर ए से मिल जाएगा, देयरफोर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 1i + 3j + 2k। ओके स्टूडेंट्स, एंड वेक्टर बी देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये इस डायरेक्शन रेशियो से मिल जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू -i + 1j + 2k। ओके, तो अभी दो वेक्टर हमें मिल चुके हैं, इस पे अभी हमें परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी देखिए, वी नो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी इज, ठीक है, अभी ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब इसका मतलब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी पता है हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट, आई जे के कोएफिशिएंट ऑफ ए, मतलब इसका कोएफिशिएंट आई के साथ क्या है 1, जे के साथ 3, के साथ 2, बी अभी बी है तो यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट लिखेंगे -1, 1, 2, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई दिस इंटू दिस -j, this into this, -this into this, ये -, प्लस हो जाएगा, +k, this into this, -this into this, यहाँ पे -, प्लस हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे 4i - 4j + 4k, राइट, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन ए एंड बी क्या मिल गया, दिस। अभी हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन रेशियो, तो अभी इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 4 - 4 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी इस क्या होगा 4 - 4 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन रेशियो मिल गया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, प्रूव दैट टू वेक्टर्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय रिलेशन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर इफ एफ बाय ए जी बाय बी एच बाय सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें दो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन दिया हुआ है बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, और बोला गया वो परपेंडिकुलर है, तो हमें दिस कंडीशन ये हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या, पहले जो दो रिलेशन दिए हुए हैं वो हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल्स टू जीरो, इसे हमने इक्वेशन वन दे दिया। दूसरा इक्वेशन क्या है, एफ एम एन प्लस जी एन एल प्लस एच एल एम इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे एम एन और एन और एल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कोई भी टर्म ले सकते हो, एल ले सकते हो, एम ले सकते हो, या फिर एन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एन लेता हूँ, ये दोनों टर्म को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो मुझे सी एन मिल जाएगा, क्या मिलेगा,
माइनस बी एम माइनस ए एल। तो यहाँ पर एन हमारा क्या हो जाएगा, सी को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, ए एल प्लस बी एम बाय सी हो जाएगा, या फिर आप ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हो, ठीक है, या इज इक्वल्स टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए एल माइनस बी एम बाय सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सी एन का टर्म फाइंड आउट किया, ऐसे आप एन भी फाइंड आउट कर सकते हो, एल भी फाइंड आउट कर सकते हो, आगे जाके मुझे एक टर्म और लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, माइनस ए एल माइनस बी एम बाय सी। तो अभी ये एन का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे, ठीक है, पुट दिस एन का वैल्यू माइनस ए एल माइनस बी एम बाय सी इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे एन है यहाँ पर यहाँ पर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, एफ एम एन के जगह पे माइनस ए एल माइनस बी एम बाय सी प्लस जी एल माइनस ए एल माइनस बी एम बाय सी प्लस यहाँ पे एच एल एम है, एन नहीं है, ठीक है। अभी देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या करते हैं बोथ द साइड सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, माइनस ए एफ एम एल माइनस पी एफ एम प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ए जी एल स्क्वायर माइनस बी जी एल एम, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई होगा, सी एच एल एम इज इक्वल्स टू जीरो। क्या किया हमने, सी से बुद्ध साइड मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते समय यहाँ पे एफ एम बी एफ एम यहाँ पे एम स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करिए, ठीक है। तो ये अभी ये इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साइन के साथ और कोई टर्म कर सकते हैं नहीं, पहले हम माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये जो माइनस के टर्म है सारे मुझे प्लस मिल जाएंगे, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, राइट, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, अभी है हम यहाँ पे एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से बुद्ध साइड डिवाइड करिए या फिर एम स्क्वायर से बुद्ध साइड डिवाइड करिए, ठीक है, दोनों में से किसी भी आप टर्म के साथ डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर से बुद्ध साइड डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए एफ एल बाय एम मिल जाएगा, यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर कैंसिल होके बी एफ मिल जाएगा, यहाँ पे ए जी एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे बी जी एल एम एम कैंसिल हो जाएगा, एम बचेगा, यहाँ पे एच बाय एम इज इक्वल्स टू जीरो बच गया, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या किया यहाँ पर हमने, एम स्क्वायर से बुद्ध साइड डिवाइड किया, ओके। अभी से हम देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है, कैसे, देखिए ए जी यहाँ पे एल और एम को स्क्वायर है, तो यहाँ पे एल एम स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे एल एम है, इसके पास एल एम है, इसके पास एल एम है, इसके पास एल एम है, तो हमने सबके पास से एल एम कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, ए एफ प्लस जी बी जी माइनस सी एच एल बाय एम, तो यहाँ पे सबके इसके पास से, इसके पास से और इसके पास से, तीनों के पास से हमने एल एम कॉमन लिया, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट टर्म बी एफ, ओके स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू जीरो। तो अभी देखिए अगर एल बाय एम को हमने वेरिएबल कंसिडर किया, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो वेयर एल बाय एम हमारा क्या है, वेरिएबल है, जैसे x रहता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें दो रूट मिलेगा, सपोज हमारा x वेरिएबल है तो हमें x1 और x2 के दो वैल्यू मिलते हैं, तो यहाँ पर एल एम हमारा अगर हमने वेरिएबल कंसिडर किया, ठीक है, तो हमें दो रूट मिलेंगे, तो यहाँ पर एल एम एल बाय एम वन एल बाय एम टू दो रूट मिलेंगे, तो हम कंसिडर करते हैं, लेट द रूट बी एल वन बाय
m1 and l2 by m2 of the quadratic equation. ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमारा रूट है L1 बाय M1, L2 बाय M2. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है, तो रूट देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सपोज x1 x2 रूट है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है x1 इंटू x2 क्या होता है स्टूडेंट्स, सी बाय ए होता है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी हुई, अगर नहीं याद है आपको तो आप इसे नोट कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रूट है वो क्या है, L1 बाय M1 और L2 बाय M2 है. इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सी. सी क्या है हमारा, देखिए दिस टर्म इज सी एंड दिस टर्म इज ए, तो यहाँ पे सी बाय ए हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देयर फोर L1 बाय M1 इंटू L2 बाय M2 इज इक्वल टू सी. सी क्या हमारा, बी एफ बाय ए, ए क्या हमारा, ए जी. ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन में हम यहाँ पर सी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, L1 इंटू L2 बाय M1 इंटू M2 इज इक्वल टू बी सी एफ अपॉन ए सी जी. क्या किया हमने यहाँ पे, सी से मल्टीप्लाई किया. ओके, अभी इसे हम अरेंज करते हैं. ठीक है, एम और एन एल के रेशियो के फॉर्म में अरेंज करते हैं. तो ये एम यहाँ पे जाएगा, ये टर्म यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर L1 बाय L2 अपॉन बी सी एफ इज इक्वल टू एम यहाँ पर जाएगा M1 एन टू बाय ए सी जी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें स्टूडेंट्स इसे हम इक्वेशन 3 दे देते हैं. ऑलरेडी हमने ऊपर इक्वेशन 2, 1, 2 यूज़ किया हुआ है. यहाँ पे देखिए L और M के बीच में रिलेशन मिल गया. ऐसे ही स्टूडेंट्स हम M और N के बीच में रिलेशन लेंगे. कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए जैसे यहाँ पर हमने N पुट किया तो हमें क्या मिल गया, L और M यहाँ टर्म मिल रहा था. ठीक है, L और M के बीच में रिलेशन मिला, तो यहाँ पे हमें M और N के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम यहाँ पर L पुट करेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, हमें ऐसा टर्म मिल जाएगा. फिर ये टर्म को आप इसमें पुट करोगे सेकेंड इक्वेशन में, और जैसे ये स्टेप्स हमने सॉल्व किया हुआ है सेम ऐसे ही आप उसे सॉल्व करते जाओगे. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम और एन का रिलेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो स्टेप नहीं सॉल्व करता हूँ, आप उसे खुद ट्राई कर सकते हो. मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, सिमिलरली फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम रेज टू एन. ठीक है, वी गेट. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेम आप ऐसे ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, M1 बाय M2 अपॉन N1 बाय N2 इज इक्वल्स टू CG बाय BH. ठीक है, तो ये आपको सिंप्लीफाई करना होगा स्टूडेंट सिमिलरली. ओके, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट इट M1 M2 इज इक्वल, ये हम यहाँ पे चला जाएगा और ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा. और देखिए स्टूडेंट्स वो करने से पहले यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे सी से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम ए से न्यूमरेटर एंड यहाँ पर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए सी जी अपॉन ए बी एच. ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, अरेंज करते हैं इसे, M1 M2 बाय ए सी जी इज इक्वल्स टू N1 N2 बाय ए बी एच. इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया. तो अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दिस एंड दिस, यहाँ पे हमने देखिए लिखा हुआ है ए, देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस. यहाँ पर हमने ए से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारा ये टर्म और ये टर्म सेम हो सके. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिल जाएगा, L1 L2 अपॉन BCF इज इक्वल टू M1
एम टू अपॉन ए सी जी इज इक्वल्स टू एन वन एन टू अपॉन ए बी एच। ओके, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, अभी ये देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, हमें कंडीशन दिया हुआ है लाइन इज परपेंडिकुलर है, लेकिन उसके पहले हम एक चीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एल एल वन एल टू एम वन एम टू और एन वन एन टू का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट नंबर से कंपेयर करते हैं, ये लैम्बडा इज एनी स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमें क्या दे देगा, एक एक करके हम इसे कंपेयर करेंगे, एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एल वन एल टू हमें क्या मिल जाएगा, लैम्बडा बी सी एफ, एम वन एम टू हमें क्या मिल जाएगा, लैम्बडा ए सी जी, और एन वन एन टू हमें क्या मिल जाएगा, लैम्बडा ए बी एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एल वन एल टू एम वन एम टू और एन वन एन टू का वैल्यू मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लाइंस है, लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ़, ठीक है, ऑलरेडी देखे स्टार्टिंग में हमने एक प्रॉपर्टी देखा, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर द कोएफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन हमने देखा था। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, तो सिंस द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा स्टूडेंट्स, उसका जो सम है वो इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एल वन एम टू एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, दिस ये यहाँ पर अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, लैम्बडा बी सी एफ प्लस लैम्बडा ए सी जी प्लस लैम्बडा ए बी एच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अभी देखिए ये इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय लैम्बडा ए बी सी बोथ साइड। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, इसके लिए हम स्टूडेंट्स ये टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जब लैम्बडा ए बी सी डी ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, बी बी सी कैंसिल, लैम्बडा कैंसिल, ए सी कैंसिल, लैम्बडा कैंसिल, ए बी कैंसिल, तो जो बचा हुआ टर्म है वो लिख देंगे, हमें यहाँ पे एफ बाय ए बच गया, यहाँ पे जी बाय बी बच गया, और यहाँ पे एच बाय सी बच गया इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसे केयरफुली ऑब्जर्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट्स को नोट करिए कहाँ पर डिफिकल्टीज है। ठीक है, उसके बाद आप इसे ट्राई करिए, बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, इफ A is 1, 2, 3 and B is 4, 5, 6 are two points, then find the foot of the perpendicular from the point P, B to the line joining the origin and point A. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन क्या दिया, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं फिर उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन दिया, अभी हमें दो पॉइंट दिया, पॉइंट A दिया, पॉइंट B दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला हुआ है, द टू पॉइंट्स, देन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड ए। ठीक है, तो हमें मैं डायग्राम के हेल्प से पहले क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे और एक लाइन दिया हुआ है, लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन ए एंड बी, ओरिजिन हमने कंसिडर किया हमारा पॉइंट ओ हो गया, और एक पॉइंट ए दिया हुआ है, और पॉइंट बी से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस पर, ओ ए पर, ये हमारा बी है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट बी क्या हमें क्या दिया हुआ है, 4, 5, 6, पॉइंट ए हमें क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, ठीक है, ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन है इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 0, 0 हो जाएगा, ये
परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमें इसे हम कंसिडर कर लेते हैं, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये हमें गिवन कंडीशन क्या है, हमें पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ओ ओरिजिन बोल रहे हैं, ओ से एक लाइन बन रहा है और बी से एक परपेंडिकुलर ऑन ओ और ओ ओ ए पर हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इसे हमने नाम दे दिया पी। तो ये पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, पहले हम वो लिख देते हैं, ओके, फिर उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखिए, पहले यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, लेट बी पी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, लेट कंसिडर ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन, सॉरी ओ बी बी पी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है, और एंड ये पी पी क्या है, देखिए पी लाइन ओ ए को डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा, सेक्शन फॉर्मूले में हमने देखा हुआ स्टूडेंट्स, एंड एंड पी डिवाइड्स लाइन ओ ए इंटरनली इन द रेशियो, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर जो P है वो O और A को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हमने सेक्शन फॉर्मूले में देखा है स्टूडेंट्स, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके। तो वो रेशियो यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि वो m रेस टू n में उसे डिवाइड कर रहा है, रेशियो m रेस टू n, ओके, यहाँ पर हमने ये चीज़ें कंसिडर की, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम बायस सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, हमारे पास सेक्शन फार्मूला यूज़ करने के लिए कंडीशन मिल गया, इसलिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, बाय सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो अभी देखिए, सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन का हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ओ दिया हुआ, पॉइंट ए दिया हुआ है और रेशियो एम और एन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा ये पी हमें कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर P इज इक्वल्स टू वॉट, P कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए अभी 1 इंटू एम प्लस 0 इंटू एन बाय एम प्लस एन, ये हमारा सेक्शन फार्मूला है स्टूडेंट्स इंटरनल डिवीजन का, m इंटू 1 मतलब m प्लस 0 इंटू एन मतलब 0 अपॉन m प्लस एन, m प्लस एन, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 इंटू एम, 2m प्लस 0 इंटू एन, 0 अपॉन एम प्लस एन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 3 इंटू एन, 3m 0 इंटू एन, 0 अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखे स्टूडेंट सेक्शन फार्मूले के बारे में देखा हुआ है प्रीवियस जो भी एग्जांपल्स है उसमें, और इनिशियली भी हमने देखा है सेक्शन फार्मूले के बारे में, ठीक है। तो अभी देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो P इज इक्वल्स टू वॉट, m अपॉन m प्लस n, 2m अपॉन m प्लस n और 3m अपॉन m प्लस n। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, P फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसमें पुट कर दी, तो हमें P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिल जाएंगे इजीली, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे m फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन m
सॉरी बी पी है और दूसरा लाइन ओ ए है, और ये दोनों ही लाइन परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर है, ठीक है। तो अभी पहले हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका पहले हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है और वो दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, बी पी का जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे और ओ ए का जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए, ठीक है। यहाँ पर हमें ओ ए क्या हमारा दिस, हमें जब दो पॉइंट पता रहता है, और यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ओ हमारा क्या है 0 0 0, दूसरा पॉइंट क्या है, ए क्या है 1 2 3, ठीक है। अभी एक लाइन है उसके दोनों पॉइंट हमें पता है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए इज वॉट 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3। देयरफोर हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए का क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 1 2 3। सेम ऐसे ही हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ पी बी का निकालेंगे। देयरफोर नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी पी इज, देखिए अभी बी क्या दिया हुआ हमें, 0.4, 5 और 6 दिया हुआ है, और पी हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ पी, क्या है m अपॉन m प्लस n, 2m अपॉन m प्लस n और 3m अपॉन m प्लस n दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इनका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे m अपॉन m माइ m प्लस n माइनस 4, 2m अपॉन m प्लस n माइनस 5, 3m अपॉन m प्लस n माइनस 6, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे m माइनस माइनस 4m माइनस 4n अपॉन m प्लस n, ये 2m माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5m माइनस 5n अपॉन m प्लस n, और ये 3m माइनस 6m माइनस 6n अपॉन m प्लस n, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी क्या है हमारा डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो को जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m प्लस n जो डिनोमिनेटर में है, ये सबका कॉमन फैक्टर है, वो हम उसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये रेशियो है स्टूडेंट्स, रेशियो की प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ टर्म, ये डिनोमिनेटर सबका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सब में कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे m माइनस 4m क्या बचेगा, माइनस 3m माइनस 4n बचेगा, यहाँ पे माइनस 3m माइनस 5n बचेगा, और यहाँ पे भी माइनस 3m माइनस 6n बचेगा, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्शन रेशियो किसका मिल गया स्टूडेंट्स, पी बी का, लाइन पी बी का मिल गया, ठीक है। अभी अभी देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, लाइन पी बी इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन ओ ए, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट, दो लाइन है वो परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर है, इसका इसका मतलब एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने एक देखा हुआ एक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है, लाइन बी पी परपेंडिकुलर ऑन लाइन ओ ए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन, अब यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, व्हेन कंसिडर इफ लाइन 1 एंड लाइन 2 परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, ठीक है। लाइन 1 का देखिए स्टूडेंट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, डायरेक्शन रेशियो, लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो सपोज हमारे पास a1 b1
और सी वन है, और लाइन टू का हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, सॉरी इसे ए वन बी वन, ए वन ए टू ए थ्री कंसिडर करते हैं, इसे बी वन बी टू बी थ्री कंसिडर करते हैं, राइट। हमारे पास दो लाइन है वो परपेंडिकुलर ईच अदर है और इनका ये डायरेक्शन रेशियो है। तो स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, रिलेशन क्या हो जाता है, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ स्टूडेंट्स। ये कब यूज़ करेंगे, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर डायरेक्शन रेशियो इज दिस, देन वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमें दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो पता है, ये लाइन बी पी का डायरेक्शन रेशियो है और ये लाइन ओ एन का डायरेक्शन रेशियो है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वन इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन बी पी इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन ओ ए, देयरफोर वी कैन राइट वॉट, माइनस थ्री एम माइनस फोर एन इंटू वन प्लस माइनस थ्री एम माइनस फाइव एन इंटू टू प्लस माइनस थ्री एम माइनस सिक्स एन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है ओ एन, उसका डायरेक्शन रेशियो ये है और ये हमने देखा कि बी पी का जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो हमने फाइंड आउट किया ये है, ठीक है। तो क्या करना है, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, वही हमने किया हुआ, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की हुई है, राइट। तो देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, हमें एम या फिर एन का जो भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस थ्री एम माइनस फोर एन, ये माइनस सिक्स एम माइनस टेन एन, ये माइनस नाइन एम माइनस एटीन एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, एम के सारे जो टर्म है एक साथ कलेक्ट करते हैं, ये माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन, ये ऐड होके क्या मिल जाएगा, माइनस एटीन एम मिल जाएगा, ओके। और एन के टर्म को हमने ऐड किया तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ट्वेंटी टू और थर्टी टू, माइनस थर्टी टू एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर वी कैन राइट माइनस एटीन एम इज इक्वल्स टू थर्टी टू एन, या फिर आप लिख सकते हो एम इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी टू बाय एटीन, ये माइनस और एटीन वहाँ पे चला गया तो उसको डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, टू से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे एम क्या मिल जाएगा, माइनस सिक्सटीन बाय नाइन एन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने जो स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा था पॉइंट पी, हमें पॉइंट पी फाइंड आउट करना दिस, ओके। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, एम की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है वो हम एम की जगह पे रख देंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हमें जो पी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पर पुट एम का वैल्यू इन इक्वेशन वन, ठीक है। नाउ क्या करते हैं, पुट एम का वैल्यू माइनस सिक्सटीन बाई नाइन एन इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट पी मिल जाएगा, क्या है, एम के जगह पर हम रखते हैं। पहले मैं फिर से पी एक बार लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर हमारे सामने वो दिखे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको एम दिख रहा है हम ये रखते हैं, ओके। तो यहाँ पे माइनस सिक्सटीन बाय नाइन एन अपॉन माइनस सिक्सटीन बाय नाइन प्लस एन टू इंटू माइनस सिक्सटीन बाय नाइन एन अपॉन, ये तो सब में कॉमन रहेगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे एन है और यहाँ पे थ्री माइनस सिक्सटीन बाई नाइन एन अपॉन माइनस सिक्सटीन बाई नाइन एन प्लस एन। अभी हम केयरफुली से सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ जो डिनोमिनेटर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस सिक्सटीन प्लस एन प्लस नाइन एन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सेवन एन बाय नाइन मिल जाएगा। तो ये सबका डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा और यहाँ पे माइनस थर्टी टू बाय नाइन एन अपॉन सेवन एन बाय नाइन, और यहाँ पे
48, या फिर हम ये 3 को कैंसिल कर सकते हैं अपॉन ये मल्टीप्लाई किया 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि आगे जाके वो कैंसिल इजीली हो सके 7n/n। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ये 9 9 कैंसिल 7 7 कैंसिल 9 9 कैंसिल n n 9 9 कैंसिल n n कैंसिल, बचा हुआ जो टर्म है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सबके साथ माइनस का साइन आएगा ना स्टूडेंट्स, माइनस 16 है ये, तो ये सबका माइनस आएगा, माइनस 16 प्लस 9 माइनस 16 आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने ये प्लस का साइन दे दिया था, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये माइनस के साइन भी सबके साथ कैंसिल हो जाएंगे, सारे के टर्म प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो बचा हुआ टर्म लिख दीजिए 16/7 और यहाँ पे 32/7 और ये 48/7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी मिल गया है स्टूडेंट्स, 16/7 32/7 48/7। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप जब टेक्स्ट बुक में इसका आंसर चेक करोगे वहाँ पर हमें ये आंसर नहीं मिलेगा, तो वो आंसर जो है वो मिस प्रिंट है स्टूडेंट्स, या फिर हमारे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है कहीं पर, या फिर हमारे आंसर में कहीं पे मिस प्रिंट है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारा ये जो आंसर है ये हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ जो टेक्स्ट बुक आंसर है आप उसे इग्नोर कर दीजिए, ये दिस इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। ओके, तो आज के देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 18 के सारे एग्जांपल्स कवर किया। ठीक है, तो इसके देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ये ऑलरेडी हमने दूसरी वीडियो में देखा हुआ है, अगर आपने उसे सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ पर आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे जो एक्सरसाइज हमारे हैं वेक्टर्स के सारे एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स के वहाँ पर लिंक आपको शेयर किया हुआ, अगर आपको इजीली अवेलेबल नहीं होता है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में किसी भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो चैप्टर से रिलेटेड सारे वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कुछ इशू है सजेशन वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो इशू है आपको बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है वो उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।